है शांतिपूर्ण माहौल में हुई, तो हमारा जो डिसीज़न होगा वो कल रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग होगी, 10 से 11 बजे के बीच में होगी। हमारा क्या निर्णय रहता है इस फैसले के कि भाई इसमें हम सहमत हैं या क्या है, वो हम कल अपडेट करेंगे। ये हमारी मीटिंग होगी, बच्चों के साथ भी मीटिंग होगी, इकट्ठी मीटिंग होगी, और साथ में मीटिंग करेंगे कि हमारा जो मेंबर्स हैं, जो भी धरना स्थल पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी उनको भी हम जाके, जैसे आज जो मैसेज गया है वो मैसेज जाके उनको कन्वे करेंगे कि जो उन्होंने हमसे पॉइंट्स दिए हैं सभी बिंदुओं पे हम उनसे चर्चा करेंगे। तो उसमें हमारे साथ छात्र भी रहेंगे और आरडीए मेंबर्स भी रहेंगे। उसके बाद हम फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति हमें कैसे बनानी है, क्या करना है। देखिए, जहाँ तक बात है, मुख्य रूप से ये जो मुद्दा था ये MBBS स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इसमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें जो अल्टीमेट डिसीजन है वो MBBS स्टूडेंट्स की तरफ से होना है, ना कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से। तो हमारा जो समर्थन है वो किस प्रकार से जारी रहेगा, कैसे रहेगा, वो कल हम 10 से 11 बजे के बीच में डिसाइड करेंगे। थैंक यू। वो हम अपने बिंदुओं पे जो है ना चर्चा करेंगे और समर्थन हमारा बिल्कुल जारी रहेगा। प्रदेश के मुखिया के साथ आपकी बैठक हुई, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि आप में से अधिकांश छात्र इस बात को मान रहे हैं जो सरकार की तरफ से प्रपोजल रहता है, वो कौन कौन से छात्र थे, कितनी संख्या है आप में से? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, सभी चारों हमारा निर्णय है, बिल्कुल सामूहिक निर्णय है। आप में से किसी ने सहमति नहीं जताई है? जी नहीं, जी नहीं, चारों गवर्नमेंट नहीं, हमारी जो सहमति है वो छात्रों के साथ है। हम ये आपको संदेश देना चाहेंगे, हमारी सहमति छात्रों के साथ है, लेकिन हमारी भी मीटिंग्स होती हैं आरडीए की, आरडीए के मेंबर्स किस हिसाब से इस आंदोलन को आगे लेके चलते हैं, तो हमें भी उनसे राय लेनी होती है, हमारी मीटिंग्स भी होती हैं और स्टूडेंट्स के साथ भी मीटिंग्स होती हैं। तो आज जो CM सर का जो संदेश था वो हम उनको जाके बताएंगे कल। धन्यवाद। आप क्या चाहते हैं इसमें और क्या नेगोशिएशन? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे कि मैंने आपको बातचीत के शुरुआत में ही बता दिया था, आज की मीटिंग से पहले ही जो हमारा डिमांड लेटर था वो हमने पहले ही सर्कुलेट करवा दिया था कि जनता को भी ये जानकारी रहे कि हमारी आखिरकार मांगे क्या है, एजिटेशन क्या है। उसमें शुरुआत में ही हमने ये बात लिखी थी कि विद्यार्थी कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस मांग रहे हैं, जो कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस रिफ्यूज करेगा एक वर्ष की, वो जो है बॉन्ड ब्रीच अमाउंट देने के लिए लायबल होएगा। इन मांगों के ऊपर सहमति नहीं बनी है, इस वजह से हम सहमत नहीं है। और जहां तक बात है विद्यार्थियों के अंदर दो गड़े होने की, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि चारों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, पंडित बीडी शर्मा PGIMS रोहतक, SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, चारों ही मेडिकल कॉलेजेस का एक मत है कि इस जो भी मुख्यमंत्री जी ने इसके अंदर थोड़े मोड़े बदलाव किए हैं उससे विद्यार्थी समूह बिल्कुल भी सहमत नहीं है और ये एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा। तो हमने इसके लिए नहीं, बैंक तो है ऐसा, आपको किसने कहा है कि बैंक अभी रिमूव है? ट्राइपार्टाइट जो एग्रीमेंट था वो अभी भी है। हमारी मांग ये थी कि जो सरकार नौकरी देने की बात कर रही है उसका एक निश्चित समय होना चाहिए जी। उस समय तक अगर नौकरी दे देती है सरकार तो हम करने के लिए तैयार है, अगर वो समय के बाद जाती है तो वो जो बॉन्ड है वो नल एंड वॉइड। हमने शुरुआत में ही मांग पत्र के माध्यम से ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि विद्यार्थी कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं, प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। और मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ, इतनी बात आपने पूछ ली है, पूरी की पूरी बैठक के दौरान कहीं भी सर्विस की बात हो ही नहीं रही, लोन रीपेमेंट की बात हो रही है। उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात बोला है कि ये सर्विस बॉन्ड है ही नहीं, ये तो लोन रीपेमेंट मॉडल है। मैं प्रदेश की जनता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको काम करने वाले डॉक्टर चाहिए या लोन रीपेमेंट चाहिए? पहले तो जनता इस पर एक मत बनाए, उसके बाद विद्यार्थियों का एक मत बनेगा। जब विद्यार्थी खुद कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस देना चाहते हैं, आप बात लोन के ऊपर लेके आ रहे हो बार बार। या तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को फिर सारों को प्राइवेट ही कर दो पहले, उसके बाद ही हम बात शुरू करते हैं, उसके बाद फिर फर्क खत्म हो जाएगा ना सरकारी और गवर्नमेंट का, फिर उसके बाद हम, मैं और आप दोनों बैठ के लोन रीपेमेंट की बात कर लेंगे।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट जब ये कह रहा है कि मैं कंपलसरीली जॉब करने के लिए तैयार हूं, तो सारे के सारे निर्णय लोन रिपेमेंट के बेसिस पे क्यों लिए जा रहे हैं? एक साल में लोन रिपेमेंट की किस्त इतनी होगी तो एक साल पीरियड रख लो, दो साल में ठीक ठाक किस्त लगती है तो दो साल रख लो, तीन साल में किस्त अच्छा ये तो किस्त कम हो जाएगी, चलो चलो पीरियड बढ़ा लो। मैं प्रदेश की जनता से ये पूछना चाहता हूं, आपको पहले तो ये बताओ नौकरी चाहिए हमारे से या फिर 40 लाख रुपए चाहिए, जनता बताइए। मुख्यमंत्री भी तो जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब इस बात पे सहमति हो जाए तो पत्रकार बंधु हमारे से आके सवाल पूछ ले कि अब आप क्या चाहते हैं। और हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं, हमारी सिर्फ ये मांग है अगर 40 लाख की मांग रहे हैं तो उन्हीं बच्चों से लिए जाए जो मिली हुई नौकरी नहीं करना चाहते, जो अपनी मर्जी से सरकारी नौकरी ठुकरा कर कहीं भी प्राइवेट या दूसरे देश जाना चाहते हैं, वो पूरे पूरे जिम्मेदार बनते हैं वो 40 लाख अमाउंट देने के लिए। और नौकरी एक समय अवधि में दी जानी चाहिए। तो फिर है ना, सरकार की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि अगर एक साल तक भी सरकार नौकरी देने में सक्षम नहीं है तो वो बॉन्ड नल एंड वॉइड हो जाएगा या बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बॉन्ड जो है वो एक कैंडिडेट की पूरी जीवन चक्र के लिए नहीं होना चाहिए। अगर उसको आप कह रहे हो एक पीरियड, चलो मैं एक बार आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, आप ये बात लिखित में निकालो पहले, अभी इस मीटिंग के बाद ही निकालो, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आप कह रहे हो ना इस बात के ऊपर सहमति बनी है, ये बात आप शाम तक लिखित में निकालो, एक वर्ष के अंदर अगर विद्यार्थी को राज्य सरकार किसी भी तरह की नौकरी देने में असंभव रहती है तो उसका वो बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये बात सरकार एक बार निकाल के देखे। मैं आपको कहता हूं ये पूरी एजिटेशन की रणनीति आगे के लिए तय करेगा। आप उस चीज पे कहते हो आप दे देंगे नौकरी, लिखित में आप एक बात भी देने के लिए तैयार नहीं हो, और सब कुछ आप लोन रिपेमेंट के बेसिस पे वो कर रहे हो। हम तो बहुत हताश हुए आज ऊपर बातें सुन के, एक एक बात लोन रिपेमेंट के बेसिस पे की जा रही है, कह रहे हैं मुख्य बात पहले तो उस पे आओ ना कि पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव डॉक्टरों की कमी पूरा करना है या पैसे लेना है। देखिए नहीं, पहली हमारी मुख्य मांग थी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक को हटाया जाए, आप हमारा कोई भी डिमांड ये मेमोरेंडम देख लीजिए, पहली डिमांड यही थी इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक, लेकिन हम उस लेवल पर नेगोशिएट कर चुके हैं कि सरकार का तर्क है बैंक को लाया गया सिर्फ और सिर्फ रीइन्फोर्स करने के लिए, एनफोर्समेंट टूल, बच्चा पैसे नहीं देता है सरकार को तो बैंक उससे पैसे ले जाए, हम वो चीज मानते हैं, लेकिन उसी से तो ना जो दी गई जॉब को रिफ्यूज करेगा, ये थोड़ी है जिंदगी भर उसको ये कर दो कि कभी भी तू प्राइवेट में नहीं जा सकता आजीवन चक्कर के लिए। किसी भी बॉन्ड की एक समय अवधि होती है कि उसके बाद ये बॉन्ड हटेगा, किसी भी प्रदेश का सर्विस बॉन्ड पढ़ के देख लीजिए, लेकिन अगले मानने तो वो तो ये कह रहे हैं सर्विस बॉन्ड है ही नहीं, जब सर्विस बॉन्ड नहीं है तो सर्विस से मतलब नहीं है। देखिए जहां तक बात है पांच वर्ष की जहां तक आप बात कर रहे हो हमारी जो मांग थी वो एक वर्ष की थी, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक ये बात कहीं भी सरकारी रूप से या लिखित दस्तावेज में नहीं आई है कि अगर एक वर्ष तक भी सरकार जॉब नहीं दे पाती है तो ये बॉन्ड उसके ऊपर से हटेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं पत्रकार साथियों से भी चाहता हूँ कि इस बात के ऊपर आप एक बार अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें कि ये बात ना वर्बली ना लिखित तौर पर अभी किसी ने नहीं कही है। इसी वजह से मैं अंतिम एक बार समराइज कर देता हूँ, आपके सवाल जवाब डेफिनेटली जारी रहेंगे और पत्रकार साथियों के साथ हम टच में हैं पहले दिन से, लेकिन अभी तक जो भी इन्होंने अपनी तरफ से जो ये कह रहे हैं सॉल्यूशन करा है विद्यार्थी समूह से सहमत नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।